यू वंस अगेन। तो जैसे कि आपको बताया डॉक्टर गुलशन ने, इस सेशन किस विषय में है, तो जैसा कि टाइटल से ही स्पष्ट है, इस सेशन में हम विशेष तौर पे स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग के बारे में सीखेंगे, और किस तरह से कोई भी जो डिजिटल कंटेंट हम बनाते हैं तो उसके क्या स्टेप्स हैं, वो सब स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे। तो डॉक्टर प्राची से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट करें ताकि हम इस सेशन में आगे बढ़ सकें। पिछले सेशन में क्योंकि टाइम कम था तो हम जो FLN का जो स्क्रीनशॉट तो आपको दिखाया था, लेकिन हम एक्चुअल आपको उस पर नहीं लेकर गए थे पोर्टल पर। तो अगर अभी ये ब्लॉग आउट हो गया है क्या? नहीं, अगर अभी थोड़ा समय रहेगा तो आपको FLN वर्टिकल और अडल्ट एजुकेशन वर्टिकल हम दिखा देंगे, बाइट साइज वीडियो उसी पे दिखा देंगे ताकि वो भी एक बार हो जाए। तो स्क्रिप्ट टू स्क्रीन के लिए जो कंसिडरेशंस हैं वो ये तीन हैं। लर्निंग थ्योरीज, हमें लर्निंग थ्योरीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिनको ध्यान में रखते हुए हम कोई भी डिजिटल कंटेंट का डिजाइन करते हैं। देन हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या लर्निंग आउटकम्स क्या हैं जिनके अराउंड हमें कोई भी रिसोर्स है वो बिल्ड करना है या बनाना है, एंड व्हाट आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। जैसे कि आपने पिछले सेशन में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में भी जाना होगा, तो उनके लिए हम कंटेंट किस प्रकार से बना सकते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में भी हमें समझ होनी चाहिए। Just wait for a moment. I'm taking break for just a minute, muting myself.
कुछ टेक्निकल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए, इसकी वजह से थोड़ा सा हम उसे रिजॉल्व कर रहे हैं। मोनिका नहीं, स्पीकर व्यू में मोनिका। आई होप सब पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। स्पीकर ऑन करना है। क्या क्या देख बता रहे हैं, इनकी क्वेरीज भी रिजोल्व करना है। वो साथ साथ ठीक है, लेट अस नाउ स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, लेट अस गेट बैक टू द सेशन। सो डेवलपमेंट प्रोसेस हमें देखना, व्हाट इज द डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर एनी स्क्रिप्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्टेप्स इन स्क्रिप्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे ऑडियंस कौन है, उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारा थीम और टॉपिक हमें सिलेक्ट करना है, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर एजुकेशनल मीडिया। इसके बाद हमें कंटेंट ब्रीफ डेवलपमेंट करने हैं, क्योंकि जब हम किसी भी एजुकेशनल थीम पे काम करते हैं, एजुकेशनल स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट, मान लीजिए सिक्स्थ में कोई एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो 12वीं क्लास तक रन करते हैं, मे बी बियॉन्ड ऑल्सो, जब हम कॉलेज में जाते हैं तब भी वो रन करते हैं। तो हम जिस लेवल के लिए जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं वो उस लेवल के हिसाब से ही बने, उसका दायरा क्या होगा, जो कंटेंट का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, उसको एंश्योर करने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसको हम किस दायरे में बांधेंगे। उसके लिए हमें कंटेंट ब्रीफ बनाने होते हैं। कंटेंट ब्रीफ में ही हमें पता चलता है कि हाँ हम इस टॉपिक में इतनी डेप्थ में जाएंगे। तो ये एक जो चीज है वो हमें ध्यान में रखनी होती है। दूसरा है कि हमें रिसर्च करना होता है, उसके बाद उस सब्जेक्ट पे कंटेंट ब्रीफ बनाने के बाद, उसके बाद हमें कंटेंट की सीक्वेंसिंग करनी होती है, उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन फॉर्मेट सिलेक्ट करना पड़ता है कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट क्या होगा। अगर ये ऑडियो है तो ऑडियो का हम कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं,
ये ड्रामा है, डॉक्यू ड्रामा है, ऑडियो डॉक्यूमेंट्री है, पैनल डिस्कशन है, या कोई और फॉर्म है, या स्टोरी है, तो ये हमें फॉर्मेट डिस्कस करना। अगर वीडियो है तो वीडियो में भी इसी तरह से, क्या ये एक पैनल डिस्कशन है या कि एक डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यू ड्रामा है, पपेट मपेट यूज करके हम कुछ बनाना चाहते हैं, या एनिमेशन है। जो भी उस सिलेक्टेड थीम के लिए सूटेबल प्रेजेंटेशन फॉर्मेट हो, वो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट हमें डिसाइड करना होता है। हर प्रकार के कंटेंट के लिए हर तरह का फॉर्मेट सूटेबल नहीं होता है। मान लीजिए कोई हमें ऐसा कंटेंट है जिसको एक एक्सपेरिमेंट का डेमो देके ही हम सही तरीके से बता सकते हैं, तो उसके लिए हम पैनल डिस्कशन नहीं कर सकते। वहां हमें एक डेमो बेस्ड एक्सपेरिमेंट करके दिखाना ही होगा, और हमें उसके लिए टॉप एंगल कैमरा की जरूरत होगी जिससे कि वो डेमोन्स्ट्रेशन कैप्चर हो सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है स्टेप्स में प्रोडक्शन के। इसके बाद डिवाइसेस ऑन होल्डिंग चिल्ड्रंस अटेंशन, बच्चों की अटेंशन को सस्टेन रखने के लिए, उनके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बच्चों की अटेंशन सस्टेन रहती है, उनकी अटेंशन हम ग्रैब कर सकते हैं, जैसे गाने हैं, पहेलियां हैं, संगीत है, साउंड इफेक्ट्स है, फन और ह्यूमर है। इसके अलावा प्रॉपर पॉज और रेस्ट के साथ हमें उसको आगे बढ़ाना है, ये नहीं कि हम कंटिन्यूअसली एक वर्बोस कंटेंट है, डेंस कंटेंट उसके अंदर फिल कर दें किसी भी वीडियो या ऑडियो के अंदर या किसी भी और फॉर्म के कंटेंट के अंदर। तो जहां भी आवश्यकता हो वहां पॉजेस और एक थोड़ा रेस्ट होना चाहिए, नहीं तो वो एक मोनोटोनस तरीके से मोनोलॉग की तरह कंटेंट चलता रहता है। इसके अलावा एक इंटरएक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरएक्टिविटी इन दी सेंस अगर ऑडियो वीडियो है तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि ऑडियंस के साथ बातचीत की जा रही है, ना कि हम एक तरफा वो बातचीत की तरह से लगे, ये चीज ध्यान में रखनी होती है। इसके अलावा चिल्ड्रंस को हम किस तरह से, बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, ये वाली बात का भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट वहां किस प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट, एक अच्छी स्क्रिप्ट जो हम बना रहे हैं, चाहे वो हम ऑडियो कंटेंट के लिए बनाए, वीडियो के लिए बनाए, इंटरैक्टिव के लिए बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री के लिए बना रहे हैं, तो उसके किसी भी फॉर्मेट के लिए हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए उसके क्या एलिमेंट होते हैं। तो एक अट्रैक्टिव स्टार्ट होना चाहिए उसका, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज ये कंटेंट ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, नोन टू अननोन अप्रोच हमें अडॉप्ट करना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, भाषा सिंपल होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, एक सब टॉपिक्स के बीच एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, फिर उसमें कंपोनेंट ऑफ ह्यूमर और फन भी हमें लाना है, और अगली चीज होगी रीइंफोर्समेंट विद वैरायटी एंड लिंकेजेस, तो हमें रीइंफोर्समेंट करना है इन वैरायटी ऑफ वेज। इसके अलावा एक स्मूथ क्लोज डाउन भी होना जरूरी है, एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी कंटेंट की, जिस भी फॉर्म का कंटेंट हम प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक स्टोरी बोर्ड है, स्टोरी बोर्ड की क्या खासियत होती है और स्टोरी बोर्ड होता क्या है। स्टोरी बोर्ड जो है वो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ हाउ योर वीडियो विल अनफोल्ड, आपका वीडियो कैसे अनफोल्ड होगा, वहां शॉर्ट बाय शॉर्ट उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है। इसके लिए ये टेम्पलेट जो आप देख रहे हैं ये टेम्पलेट है जिसमें शॉर्ट बाय शॉर्ट हमें क्या दिखाना चाहते हैं, उसकी ड्रॉइंग भी हो सकती है, एक स्क्रिप्ट कम स्टोरी बोर्ड भी बना सकते हैं, और ये सारे उदाहरण मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। अभी हम थोड़ा सा देख लें कि क्या क्या चीजों के बारे में हम वो देखने जा रहे हैं।
कहाँ हमें क्लोजअप दिखाना है वो भी होना चाहिए, कहाँ वाइड शॉट दिखाना है वो स्क्रिप्ट बोर्ड में होना चाहिए। ये एक कैमरा के लिए स्क्रिप्ट की तरह से होता है कि शॉट बाय शॉट अलोंग विद द कंटेंट, जो भी कंटेंट हम इसके माध्यम से बताने जा रहे हैं उसमें विजुअल्स क्या होंगे। यदि एक ऑडियो प्रोग्राम है, ऑडियो प्रोग्राम है तो इसमें साउंड इफेक्ट्स क्या होंगे, म्यूजिक क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन अलोंग विद द टेक्स्ट व्हिच इज गोइंग टू बी देयर इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। अगर ये इंटरैक्टिव कंटेंट है, ड्रैग एंड ड्रॉप है जो कि आपको दिखाया गया था पिछले सेशन में, तो उसमें किस तरह के ग्राफिक्स हमें चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो स्टोरी बोर्ड में ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये एक ऑडियो स्क्रिप्ट बोर्ड का एग्जाम्पल है कि ऑडियो के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ सारा टेक्स्ट है और यहाँ जिस भी तरीके का साउंड इफेक्ट हमें चाहिए, स्पीच है, फेड आउट होनी है स्पीच, कोई साउंड इफेक्ट आना है, कोई म्यूजिक आना है, हवा की आवाज हमें सुनाई देनी है या कुछ और, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन इसके ऑडियो स्क्रिप्ट बोर्ड में इस तरह से होता है। नेक्स्ट प्लीज। फिर हमें ये देखना है कि स्टोरी बोर्ड की आवश्यकता क्या होती है। हालांकि मैंने बता ही दिया है, इट इज द बेस्ट वे टू शेयर द विजन ऑफ द स्क्रिप्ट राइटर कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या है एंड प्रोडक्ट में, क्या हम देखना सुनना चाहते हैं और किस तरह से हम देखना और सुनना चाहते हैं, और इससे प्रोडक्शन ईजियर हो जाता है क्योंकि उसमें हमारा विजन आ जाता है जो भी स्क्रिप्ट जिसने बनाई है, और इससे टाइम भी बचता है कि बार बार स्क्रिप्ट राइटर के साथ प्रोड्यूसर को या एडिटर को डिस्कशन करना नहीं होता है बिकॉज स्टोरी बोर्ड सेज इट। और इसके अलावा हम इसके लिए एक स्केच इट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं कि स्केच कर सकते हैं जो भी हमें शॉट बाय शॉट चाहिए, और एक इसका टेम्पलेट आपने देखा ही है, टेम्पलेट हो सकता है हमारा, और हम कोलेबरेटिव टूल का प्रयोग करके भी इसको और एज पर नीड मॉडिफाई कर सकते हैं। स्क्रिप्ट बोर्ड के लिए ये टिप्स हैं कि क्या स्केच इट मेथड हम कर सकते हैं, एक टेम्पलेट के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं, कोलेबरेटिव टूल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें सोर्स ऑफ मूविंग एंड स्टिल इमेजेस, कि अगर हम स्टिल इमेज का प्रयोग करें या मूविंग इमेजेस का प्रयोग करें उसका सोर्स क्या है, कहां से हमें लाना है। इसके बाद उनको अपने कंप्यूटर में किस तरीके से इंपोर्ट करना है अगर हम कंप्यूटर का प्रयोग करके या एडिटिंग कंसोल की का अगर हम प्रयोग करें उसको प्रयोग करके कैसे हमें वो सारे उस सोर्स से उनको लेकर आना है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कैसे हर क्लिप को हमें एक साथ प्लेस करके एक उसका जो ढांचा है वो तैयार करना है अपने प्रोग्राम का, और इसके लिए जो हम एक फ्री एंड ओपन सोर्स टूल आपके सामने डेमो देने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, वो है ओपन शॉट वीडियो एडिटर। विंडोज के साथ भी एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है जिससे कि हम विंडोज मूवी मेकर के नाम से, उसमें भी हम इस तरह के वीडियो बना सकते हैं, लेकिन फ्री एंड ओपन सोर्स ही हम डेमो देंगे ओपन शॉट वीडियो एडिटर का, जिसमें ये प्रोसेस जो आप यहाँ इस स्लाइड में देख रहे हैं उसका एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन होगा। फिर मीन्स ऑफ एक्सपोर्टिंग द रिजल्टिंग मास्टरपीस, जो तैयार हुआ है उसको हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे अपनी डिवाइस में, एंड हाउ वी विल शेयर देम थ्रू अप्रोप्रिएट रिपोजिटरीज और मोबाइल ऐप। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के कैमरा शॉट जो हमें स्क्रिप्ट या स्टोरी बोर्ड में मेंशन करने चाहिए वो दिखाए गए हैं। वाइड शॉट, लॉन्ग शॉट, मिड शॉट। ये वाइड शॉट है जिसमें पूरा आपको ऑडियंस भी दिख रहे हैं, पूरा मैदान दिख रहा है, खेल के मैदान का ये शॉट है। यहाँ हम देख रहे हैं मिड शॉट है जहाँ हमें कुछ चीज को और बारीकी से दिखाना है वो दिखाने के लिए, और ये लॉन्ग शॉट है, वाइड शॉट जहाँ मेरा कर्सर है, लॉन्ग शॉट एंड देन मिड शॉट और मीडियम शॉट। ये यहाँ हम क्लोजअप्स कितने प्रकार के होते हैं वो क्लोजअप्स आपको दिखाए गए हैं।
तो आप देख सकते हैं मीडियम क्लोजअप, बिग क्लोजअप और एक्सट्रीम क्लोजअप। ये एक्सट्रीम क्लोजअप का उदाहरण है, ये मीडियम क्लोजअप का उदाहरण है, या बिग क्लोजअप का उदाहरण है, ये मीडियम क्लोजअप का उदाहरण है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्लोजअप में भी एक वैरायटी है जिससे हम क्या कैप्चर करना चाहते हैं, एक्चुअली ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उसमें आपको सब तरह के कुछ क्लोजअप भी देखने को मिलेंगे, वाइड शॉट, हालांकि वो एक एनिमेशन है, लेकिन एनिमेशन में भी हम क्लोजअप, मिड क्लोजअप, बिग क्लोजअप और इस तरह की चीजें दिखा सकते हैं। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। क्लोजअप नॉट क्लियर, एक बार पिछले स्लाइड पे जाओ, किसी ने लिखा है ऑडियंस ने, ये जो बॉल वाला है ये क्लोजअप है। इसके बाद आप देखें, तुम अपना कर्सर लेके जाओ, मीडियम क्लोजअप, ये दो बच्चों का जो चित्र है ये मीडियम, ये बिग क्लोजअप है। जो एक रोते हुए बच्चे का है ये एक्सट्रीम क्लोजअप है, और जो ये लड़की का क्लोजअप है ये मीडियम क्लोजअप है। ठीक है, यहाँ कैमरा एंगल्स और हम देख सकते हैं कि टॉप एंगल से अगर हम कोई चीज ले रहे हैं वो कैसे कैप्चर कर सकते हैं, वो भी हम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। ओवर द शोल्डर अगर हमें कोई सीन कैप्चर करना है, ये ओवर द शोल्डर का एग्जांपल है। पॉइंट ऑफ व्यू एक एंगल होता है, वो हम दिखा सकते हैं, जिसमें हम ऐसा लगता है दर्शकों को कि जैसे वो खुद उस सीन के अंदर हैं। जैसे ये एक लंबी सड़क है और कार का आगे का बोनट दिखाई दे रहा है, और जब ये बहुत तेज स्पीड से चलती है तो दर्शकों को भी ऐसा महसूस होता है एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द सीन। और ऐसा आपने मूवीज में भी देखा होगा कि हमें उन मूवमेंट के साथ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये ठीक से ड्राइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ये कार टिल्ट हो जाएगी, गिर जाएगी, टकराएगी। सो वी गेट एंगेज्ड विद दैट पर्टिकुलर शॉट। इसके बाद डच एंगल जो है, डच एंगल में हमें अगर हमें कोई बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन किसी कैरेक्टर के हैं वो हमें कैप्चर करने हैं, तो कैमरा थोड़ा सा टिल्ट करके प्रॉपर लाइटिंग के हिसाब से हमें वो एक्सप्रेशंस कैप्चर करने होते हैं। जैसे कि आप ये वाले वीडियो में देख रहे होंगे कि ये कैरेक्टर के क्या एंगल है, ज्यादातर जो हॉरर टाइप की चीजें होती हैं उसमें ये वाले एंगल काफी प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि आपको इतनी बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है जब हम एजुकेशनल कॉन्टेंट बना रहे हैं, इट इज जस्ट सम एक्स्ट्रा डिस्कशन दैट वी आर डूइंग। बर्ड्स आई व्यू, कई बार हम ड्रोन में कैमरा से बर्ड्स आई व्यू लेते हैं कि बिल्कुल ऊपर से जाके पूरा एक लैंडस्केप को जब हम कैप्चर करते हैं। टॉप एंगल वो है, जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट का डेमो दे रहे हैं एक टेबल पे रख के एक स्टूडियो सेटिंग में, और टॉप से कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, वो टॉप एंगल है। टॉप और बर्ड्स आई व्यू में डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बर्ड्स आई व्यू में ड्रोन से हम एक लैंडस्केप को, बिगर लैंडस्केप को कैप्चर कर सकते हैं जहां भी ऐसी जरूरत हो। तो अभी एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इस तरीके से ड्रोन के माध्यम से पूरा कैंपस को का बर्ड्स आई व्यू कैप्चर करने की कोशिश की गई, और उसको एनसीईआरटी की डॉक्यूमेंट्री का पार्ट बनाया गया। नेक्स्ट, या हाँ, ये हम स्किप करते हैं। अब हम चलते हैं कि एक्चुअली मैं आपको एक प्रोग्राम एनिमेशन दिखाते हैं, स्टॉप मोशन एनिमेशन जो है पहिया, जिसका टाइटल है वो हम देखेंगे, और उससे संबंधित स्क्रिप्ट, इसको ध्यान से देखिए जरा शॉट बाय शॉट क्या क्या आ रहा है, इंजॉय भी कीजिए और उस हिसाब से देखिए, फिर इसके स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड जब हम आपको दिखाएंगे तो उससे आपको ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से जो एंड आउटकम होता है एक वेल क्राफ्टेड स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड से हो पाता है।
तो लेट अस नाउ वॉच द वीडियो पहिया. अब हम देखते हैं इसका स्क्रिप्ट. आपने कार्यक्रम देखा पहले से ही. और एक और चीज मैं आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन से बाहर की बात करना चाह रही हूँ. अभी तक भी कुछ लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है अटेंडेंस फॉर्म के बारे में. इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंगेज्ड विद द सेशन सम पीपल आर रेजिंग क्वेरीज अबाउट अटेंडेंस. Dr. Monica and Dr. Gulshan, please take care what kind of queries they have, how they haven't still learned how to put their presentation. Rampal ji ke taraf se main message dekh rahi hu Haryana se, inko abhi tak pata nahi chala hai ki kis tarike se attendance share kari gayi hai ya nahi kari gayi hai, unko kya karna hai. Please support such people in the group. Sure. And so that they get engaged with the session and don't post such queries while a presentation is being made. Why these people are still not clear, I can't understand.
सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन. यहाँ आपने देखा होगा, वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया है, तो इस पे हम देखें कि स्क्रिप्ट में आपको दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तीन भी हो सकते हैं, जिसमें हम हर शॉट को 1 2 3 4 करके कर सकते हैं. सबसे पहले आपने देखा होगा पृष्ठभूमि में बजता गति का प्रतीकात्मक वातावरण दर्शाता संगीत, कि सबसे पहले एक संगीत बजता है जो गति का प्रतीकात्मक है, क्योंकि पहिया इज ऑल अबाउट गति स्पीड. और उसके साथ आपने देखा होगा विजुअल्स क्या आते हैं, बांसुरी है, बांसुरी से फ्लोट होते हुए संगीत के नोट्स, और उसके साथ आता है शीर्षक पहिए का आविष्कार. इसके बाद और स्क्रॉल करिए, फिर हवाई जहाज के पहिए का आपको क्लोजअप दिखाई देता है, उड़ता हुआ हवाई जहाज, क्लोजअप में कार का पहिया, सड़क पर दौड़ती कार, स्केट्स पर दौड़ता बच्चा, बाइक पर जाता राहगीर, आसमान पर चढ़ता गोलाकार सूरज, घूमती हुई धरा, गोल गोल अक्षर, गोलाकार घूमते. इसके बाद गाना शुरू होता है, एक दिन मानव ने ढलान पर देखा एक लुढ़कता लट्ठा. इसके साथ जो विजुअल्स हैं प्रागैतिहासिक काल का वातावरण, वही ढलान पर लुढ़कता एक लट्ठा और उसे गौर से देखता प्रागैतिहासिक मानव. उसके बाद फिर गोल 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 का जो कोरस है वो आता है, और उसके साथ तरह तरह की गोल आकृतियां स्क्रीन पर हमें दिखाई देती हैं, जहां घड़ी भी दिखाई दे रही है, घड़ी की सुइयां, और भी बहुत सारे तरीके के विजुअल्स जो गोलाकार हैं. इसके बाद गाने के आगे बोल स्टार्ट होते हैं, गोल गोल लुढ़का ढलान पर पहुंचा नीचे फैले मैदान पर, तो उसके साथ जो विजुअल्स आते हैं वही प्रागैतिहासिक काल का वातावरण, ढलान पर लुढ़कता एक लट्ठा, नीचे फैले मैदान पर लुढ़कता हुआ आता है, एक पेड़ से टकराकर वापस कुछ दूर लुढ़कता है, पेड़ से टकराकर उसकी गति धीमी होते हुए वह रुक जाता है. तो इसी तरह से ये आगे गाना चलता है, ये आप देख लीजिए स्क्रीन पे. ये स्क्रिप्ट हम आपसे शेयर कर लेंगे, वीडियो भी और ये स्क्रिप्ट भी, ताकि आप आगे उसको और अच्छी तरह से देख सकें कि किस तरह से स्क्रिप्ट और इसका जो वीडियो है वो करस्पॉन्डिंग है. अब हम इसका देखते हैं स्टोरी बोर्ड. तो ये शॉट बाय शॉट उसमें क्या दिखाई देता है, यहाँ आप देखेंगे ओपनिंग जो शॉट था वो यही था कि बांसुरी से फ्लोट होते हुए संगीत के स्वर, और ये सारे के सारे विजुअल्स, और उसके साथ जो है शीर्षक आता है पहिए का आविष्कार. तो ये शॉट बाय शॉट, सीन बाय सीन डिस्क्रिप्शन है, जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू शॉट एक दिखाया गया था. देखो यहाँ भी उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा कि जो कार चल रही है और कार का किस तरीके से स्टीयरिंग पे हाथ है और वो आगे बढ़ रही है. नेक्स्ट इसका पार्ट, एक्सट्रीम क्लोजअप का भी उदाहरण है जो आप यहाँ देखेंगे, एक्सट्रीम क्लोजअप है ये. उसके बाद ये सारे विजुअल्स के साथ जो गाना है वो हमारा आगे बढ़ता है. नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने चरखे पर एंड किया था, लेकिन उसके पहले आपने एक विजुअल और देखा होगा, जो बच्चे एक लकड़ी की छड़ी से या लोहे की तार को थोड़ा मोड़ के पहिए को घुमाते हुए खेलते हैं, तो वो भी स्क्रीन पे आया था. ये बाद में एडिशन था, जिस समय हमने स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड इसका डिस्कस किया तो ये सलाह मिली कि ये विजुअल अगर हम ऐड और करें तो वो और भी बच्चे हमें हमारे इस वीडियो के साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे. तो ये आपने देखा किस तरीके से एक स्टोरी बोर्ड स्क्रिप्ट और उसका एंड आउटपुट वीडियो वो इन सिंक हो तो एंड आउटपुट हमारा अच्छा निकलता है. तो ये सारी पिक्चर हमारे दिमाग में होनी चाहिए
जब हम थीम सिलेक्ट करते हैं उसका फॉर्मेट हमें क्या सिलेक्ट करना है, क्या हमें उसको गाने से अधिक प्रभावशाली बनाना है या कोई और चीज केवल डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हमें करना है, सो दैट इज अप टू अस की हाउ वी विजुअलाइज द एंड प्रोडक्ट। ये है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं वीडियो लेक्चर की स्क्रिप्ट का, क्योंकि पीएम ई विद्या के तहत जो बात करी गई 12 चैनल वन क्लास वन चैनल, उसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर से भी हम सपोर्ट करते हैं ये चैनल का रन करना। लेकिन इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जो वीडियो लेक्चर है, इसको डबल स्क्रीन में स्प्लिट हो रहा है, जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर भी एक केवल हर समय प्रेजेंटर एक बोल रहा है वो स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, बल्कि प्रेजेंटर जो बातें कर रहा है कहीं कहीं वो स्क्रीन पर कैप्शन के माध्यम से आनी चाहिए, कहीं कोई छोटा वीडियो क्लिप आना चाहिए, तो तभी हम उसको विजुअली रिच बना सकते हैं। नहीं तो एक चेहरा और वो चेहरा भाषण दे रहा है लगातार, सो दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ हैविंग एनी वीडियो लेक्चर। तो वो केवल एक लेक्चर की तरह बन के रह जाएगा, और वो भी वन वे है क्योंकि टेलीकास्ट हो रहा है, तो और भी ज्यादा वो बोरिंग हो सकता है और ज्यादा देर अटेंशन सस्टेन उसमें नहीं रह पाएगी हमारे व्यूअर्स की। तो इसमें अब आप देखें कि प्रेजेंटर जहां जा रहा है, ये भी दो कॉलम में है, जिसमें एक साइड जो टेक्स्ट है लेक्चर का वो है, दूसरे साइड टेक्स्ट के साथ कब कहां क्या विजुअल जाना है उसका जिक्र किया गया है। तो अगर आप यहां देखें तो यहाँ ये जो पहला पैराग्राफ है इसके साथ प्रेजेंटर का फेस आएगा, क्योंकि उसको ग्रीट करना है एक ऑडियंस के साथ, अपना जो जो कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करना है। तो पहले प्रेजेंटर आएगा, उसके बाद जैसी स्क्रिप्ट की डिमांड, जैसा कंटेंट की डिमांड है उस हिसाब से हम चीजें धीरे धीरे उसमें प्रस्तुत करेंगे विजुअलाइज करके लेक्चर में। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट पे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं, तो वो सारे पॉइंट को एक ऑन स्क्रीन कैप्शन के रूप में निकल कर आएंगे। ये है। उसके बाद आप देखेंगे फिर प्रेजेंटर है थोड़ी देर के लिए, फिर कैप्शन है, आगे और स्क्रॉल करें, फिर हम एक माइंड मैप के माध्यम से कोई चीज किसी कॉन्सेप्ट को रोल करने की कोशिश करें। एक मिनट देखते हैं इसमें क्या है माइंड मैप वाला जो है, लेट अस सी द थीम शुड बी डिस्कस। ये एक ईवीएस की ट्रैवल थीम पर बेस्ड है, कॉम्प्रीहेंसिवली विद द हेल्प ऑफ अ माइंड मैप ऑफ द थीम ट्रैवल, दिस इज एन एग्जाम्पलर माइंड मैप। तो माइंड मैप भी इसका लिंक था इसमें, आई डोंट नो वेदर इट विल ओपन हियर और नॉट। नेक्स्ट और स्क्रॉल करिए। देखो माइंड मैप का ओपन होएगा ये। अभी शायद ये हमारे सिस्टम पे नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट विल ओपन। फिर एक बार स्क्रॉल कर दीजिए। तो इसी तरीके से हम प्रेजेंटर के साथ और क्या क्या हम विजुअल दिखाने जा रहे हैं वो सारे विजुअल का इसमें जिक्र होगा। और नोट में ये भी लिखा है कि कहाँ प्रेजेंटर को एक पॉज भी देने की आवश्यकता है, वॉइस मॉड्यूलेशन की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक वीडियो लेक्चर की स्क्रिप्ट है। अब हम एक इंटरैक्टिव कंटेंट, जो मैंने आपको H5P कंटेंट मॉर्निंग में दिखाए थे, उनकी एक स्क्रिप्ट देख लेते हैं। फिर से हम देख लेते हैं एक इंटरैक्टिव कंटेंट, अगर हमारे पास वो क्लासिफिकेशन वाला कंटेंट है। पहले हम कंटेंट देखेंगे, इंटरैक्टिव ड्रैग एंड ड्रॉप है जो, और उसके बाद हम उसका स्टोरी बोर्ड देखेंगे, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड इंटरैक्टिव कॉन्टेंट। तो ये हम देखें क्लास वन के लिए क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे जो छात्र हैं उनको कलर के आधार पर, रंग के आधार पर क्लासिफिकेशन करना है।
तो हम इसको प्ले करें तो कैसे वो क्लासिफाई करेंगे. Observe the fruits. Can we put them in four baskets on the basis of their color? Let us try and put them into four groups. Drag fruits to the basket to form the four groups. इस तरह से हमारा स्कोर कितना हुआ वो भी इसमें हमें पता चलता है. और हम रीट्राई करना चाहें तो हम रीट्राई भी कर सकते हैं. और अगर हम दोनों तरह से इसको कर सकते हैं बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी विजुअलाइज इट और हाउ वी राइट द स्क्रिप्ट. जैसे इसमें अगर हम ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं तो ये ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर हम रेड एप्पल को ग्रीन बास्केट में रखेंगे तो वो बाउंस बैक होके अपनी जगह पहुंच जाएगा. एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो वहां रह सकता है, वो स्टे करे. बट इट विल डिपेंड हाउ वी डू द कोडिंग. बैक एंड में हम क्या कमांड देते हैं. रेड बास्केट में ग्रीन एप्पल आ जाएगा लेकिन लास्ट में जब हमें फीडबैक मिलेगा तो हमें ये पता चलेगा हमने कितना सही और कितना गलत किया. तो एक ट्रायल एंड एरर मेथड है कि हमने ट्राई किया, गलती की, बाउंस बैक हो गया, वापस किया. और दूसरा जो हो गया वो उसमें हमें गलती हम कर रहे हैं लेकिन लास्ट में हमें पता चलेगा हमने कितना सही कितना गलत किया. तो इट डिपेंड्स कि हम कैसे उसको विजुलाइज करते हैं. लेट अस नाउ सी द स्क्रिप्ट एंड स्टोरी बोर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरैक्टिव कंटेंट, इंटरैक्टिव गेमीफाइड कंटेंट आई मस्ट से, विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स असेसमेंट. कि बच्चे ने अगर क्लासिफिकेशन लर्न कर लिया है तो वो ड्रैग ड्रॉप से, ट्रायल एरर से असेसमेंट अपना कर सकता है, सेल्फ असेसमेंट कर सकता है. टीचर लेड असेसमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं. तो यहां हम देखें टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन है फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, चाइल्ड हैज टू क्लासिफाई द फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर और शेप. शेप के आधार पर भी हम कर सकते हैं पर यहाँ हमने कलर के आधार पर किया था. भाषा इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है. सब्जेक्ट मैथ है, क्लास वन है, लेवल जो है क्लास वन है. ऑडियंस कोई भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं एजुकेशन के, जो उसका प्रयोग करें. एजुकेशनल यूज इसका क्या है कि हमें क्लासिफिकेशन सिखाना है ऑन द बेसिस ऑफ कलर. और ये इंटरैक्टिव कंटेंट है, सेल्फ जनरेटेड, यानी कि अगर आप बना रहे हैं एज इंडिविजुअल तो आपका नाम एज स्क्रिप्ट राइटर ये सेल्फ जनरेटेड है. नहीं तो ये सीआईटी एनसीआरटी का प्रेजेंटेशन है तो हम यहाँ सीआईटी एनसीआरटी लिखेंगे. किसी और विभाग का है तो वो उस विभाग का नाम इसमें लिखेंगे, सोर्स जहां से हमने ये ये आ रहा है, स्क्रिप्ट आ रहा है वैसा ही किसी रिपोजिटरी पे जाएगा तो उसमें आएगा. आगे अब हम देखें तो ये जो ग्राफिक है इनकी आवश्यकता पहले पड़ेगी. तो ये हमें इसके लिए टीम में एक तो स्क्रिप्ट डेवलपर होगा जो कॉन्सेप्चुलाइज कर रहा है कि क्लासिफिकेशन उन्हें किस तरीके का ई कंटेंट बनाना है क्लासिफिकेशन पर आधारित. दूसरा जो ग्राफिक डिजाइनर है वो ये इमेजेस बनाएगा. जब हम स्टोरी बोर्ड बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसी हम बनाएंगे वो इमेजेस, हमें तो बस एक उसको क्रूड स्केच हम कर सकते हैं. ये ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा इस इतने फाइन जो वो है. लेकिन मैंने स्टोरी बोर्ड में ग्राफिक डिजाइनर के बनाए हुए ग्राफिक्स को यूज किया, अदरवाइज इसमें हमारे स्केचेस भी हो सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट. और यहाँ आपने बास्केट देखा होगा, ये एक ही रंग के बास्केट है लेकिन बाद में हमने इनको जब एक्चुअल प्रोडक्ट बना तो बास्केट भी कलर्ड बास्केट थे. इसके बाद जो यूजर है, यूजर के लिए इंस्ट्रक्शन भी आपने देखा होगा उसमें थे कि ऑब्जर्व द फ्रूट्स. क्योंकि क्लास वन के बच्चे के लिए हम बहुत लंबे लंबे इंस्ट्रक्शन अगर पहले ही पढ़ा देंगे इससे पहले कि वो गेम खेले तो उसका इंटरेस्ट वैसे ही लूज हो जाएगा. तो इसीलिए इंस्ट्रक्शंस ऑडियो में है कि यूजर के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं.
ऑब्जर्व ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे, ऑब्जर्व द फ्रूट, कैन वी पुट देम इन फोर बास्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कैसे हम करें उसको. तो लेट अस ट्राई एंड पुट देम इन टू फोर ग्रुप्स, ड्रैग फ्रूट्स टू द बास्केट टू फॉर्म द फोर ग्रुप्स. उसमें ड्रैग करिए फोर बास्केट्स में फ्रूट को और चार ग्रुप बनाइए. इसके बाद जो डेवलपर है यानी कि जो H5P सॉफ्टवेयर जानता है, अगर वो कोई और है, अगर स्क्रिप्ट डेवलपर ही डेवलपर है फॉर द कंटेंट, इंटरैक्टिव कंटेंट, वो H5P जानता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर वो तीसरा पर्सन है तो उस पर्सन के लिए भी हमें इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे. यानी कि अगर आप H5P बनाना आउटसोर्स करते हैं, किसी और से बनवाते हैं, तो हमें उसके लिए इंस्ट्रक्शन देने होंगे. क्योंकि सॉफ्टवेयर वाला जरूरी नहीं है, आप क्लासिफिकेशन को कैसे पेश करना विजुअलाइज कर रहे हैं उसको वो अंडरस्टैंडिंग बन जाए. तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, इफ द यूजर्स यूजर ड्रैग्स फ्रूट ऑफ वन कलर इन वन बास्केट, देन फ्रूट ऑफ अनदर कलर कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द सेम बास्केट. अगर हम चाहते हैं कि वो फ्रूट बाउंस बैक कर जाए तो हमें ये इंस्ट्रक्शन देना होगा, तभी H5P का एक्सपर्ट समझेगा कि उसे क्या कोडिंग करनी है. उसके बाद गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट गुड विद अ क्लैपिंग फॉर प्रॉपर ग्रुपिंग एंड एनकरेजमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्लेसमेंट, कि ट्राई अगेन जैसा हम दे सकते हैं, या अगर किया तो वेल डन. जैसे मैंने आपको सुबह एक कॉन्टेंट दिखाया था जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सीढ़ियों के माध्यम से, सीढ़ियों पे प्लेस करने थे नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहां एक फीडबैक आ रहा था वेल डन जब हम सही कर रहे हैं, और गलत आ रहा था ऊप्स ट्राई अगेन. तो ये जब हम डेवलपर को बताएंगे, लिख के देंगे इंस्ट्रक्शन में, तभी वो करेगा, नहीं तो उसको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं. तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक इंटरैक्टिव कॉन्टेंट का स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड बनता है. उसके बाद हमारा कोई और कंटेंट है जो हम दिखाना चाहते हैं, एनिमेशन तो हमने दिखा दिया, ये हो गया. अब हम एक बाइट साइज वीडियो भी देखते हैं जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए, ताकि आप फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का एक दीक्षा पे कहाँ प्लेस्ड है, कैसे है, वो भी देख लें. सो लेट अस आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू द दीक्षा पोर्टल टू just show you how FLN content is placed and alag alag form ke jo digital content aur hai, worksheet, assessment sheets, infographic ka example aapne morning mein dekh hi liya ki wo kis tarah se develop ki gayi hain aur kaise ek bite size video hai jo ki hum dekh sakte hain. Wo main CIT ka dwara nirmit bite size video hi aapko dikhana chahungi. So let us go on to Deeksha निपुण भारत पेज सो दैट वी कैन सी दी कॉन्टेंट देयर. तो ये आप देख सकते हैं deeksha.gov.in अगर हमने टाइप किया तो हमारा ये पेज ओपन होगा. अब हम इस पे सबसे पहले हम देख रहे हैं निपुण भारत मिशन का ही आपको एक बैनर दिखाई दे रहा है और उसके नीचे एक्सप्लोर है. अगर हम जब एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा और ये पेज में हम देख रहे हैं कि निपुण भारत मिशन से संबंधित जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, वीडियोस हैं, रीजनल वर्कशॉप्स जो हुई हैं इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके प्रेजेंटेशंस हैं, वो सारी चीज यहाँ पर उपलब्ध हैं. निपुण भारत डॉक्यूमेंट्स, यहाँ हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो हमें वो एक्सप्लोर पे क्लिक करना एक बार प्राची, तो ये हम देखेंगे तो निपुण भारत के हमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे. यहाँ ये लिस्ट है, राइट हैंड साइड में फ्लिप बुक है, विद्या प्रवेश डॉक्यूमेंट है, होम बेस्ड लर्निंग गाइडलाइंस हैं, नेशनल वेबिनार ऑन रीडिंग एंड राइट उसके रिसोर्सेज हैं, और उनको हम फर्दर एक एक चीज को क्लिक करेंगे तो ये रिसोर्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे. ये हम देख सकते हैं यहाँ, ये एक ये फ्लिप बुक है, इज दैट अ फ्लिप बुक, और डॉक्यूमेंट मिशन डॉक्यूमेंट है ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का. इसको हम स्क्रॉल करके देखें, स्क्रॉल करना है इसको, हाँ स्क्रॉल करेंगे तो ये हम पूरा डॉक्यूमेंट कर सकते हैं.
देख सकते हैं, और अगर हम इसे डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड का भी प्रोविजन है, आप इसको डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे रखना चाहें तो एक बार देखें कि कैसे डाउनलोड करना होता है। बैक जाएं, ये जो तीन लाइनें हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। शेयर का ऑप्शन है, अगर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना करेंगे हम तो जिसके साथ हमें शेयर करना है हम शेयर कर सकते हैं, लिंक कॉपी करके लिंक के माध्यम से हम ईमेल भी कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो ऐसे शेयर कर सकते हैं, और प्रिंट करना चाहें तो हम प्रिंट कर सकते हैं। और ये हर रिसोर्स के बारे में सही है, दीक्षा पे जितने भी रिसोर्स उपलब्ध हैं उनको हम शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और रेटिंग भी कर सकते हैं, रेटिंग का प्रोविजन भी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फिर इस पेज पर आगे स्क्रॉल करें तो और क्या क्या चीज है। तो अबाउट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फिर एक्सप्लोर डेवलपमेंटल गोल वाइज ई कॉन्टेंट। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के तीन डेवलपमेंटल गोल हैं। जो पहला गोल है इसमें देखें, नीचे स्क्रॉल करें, है चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। दूसरा गोल है चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, इसमें ये भाषा से संबंधित है। तीसरा है चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व्ड लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ये मैथ्स और ईवीएस से संबंधित है। अब हम ये इसके छह क्लासेस हैं। प्री स्कूल वन, एक बार ऊपर स्क्रॉल करके दिखा दें, प्री स्कूल वन, प्री स्कूल टू, प्री स्कूल थ्री, क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री। अब हर कक्षा के नीचे हम एक्सप्लोर देख रहे हैं, जब हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो तीन डेवलपमेंटल गोल आ रहे हैं। डेवलपमेंटल गोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनके लर्निंग आउटकम्स प्लस रिसोर्सेज ओपन होंगे। तो अब पहले एक बार पूरा पेज देख लेते हैं, बाद में क्या है, बाद में कोर्सेज भी हैं इस पे। नीचे और स्क्रॉल करें तो देखें, यहीं से हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के कोर्सेज भी पे भी पहुंच सकते हैं अगर एक्सप्लोर हम क्लिक करेंगे। तो कोर्सेज फॉर दी स्टेक होल्डर्स भी हमें यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, निष्ठा FLN के आप देख रहे हैं, फिर यहाँ सारे कोर्सेज आ गए जो उपलब्ध हैं, हम वहां पर लैंड कर रहे हैं। सो लेट अस नाउ वॉच हाउ रिसोर्सेज आर मैप्ड टू द डेवलपमेंटल गोल्स एंड द लर्निंग आउटकम्स फॉर ईच ग्रेड व्हिच रिलेट्स टू फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसमें पहले हम देखते हैं क्लास तीन का, देखें EVS का कॉन्टेंट। क्लास तीन के हमने एक्सप्लोर पर क्लिक किया और डेवलपमेंटल गोल हम थ्री देखते हैं, जो चिल्ड्रन बिकम गेट इन्वॉल्व विद देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स है। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर हमें ईवीएस का देखना है कोई कंटेंट, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंटल गोल थ्री की कॉम्पिटेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम अगर राइट हैंड साइड में देखें तो सारे लर्निंग आउटकम्स हैं डेवलपमेंटल गोल थ्री के, और इसमें अगर हम किसी लर्निंग आउटकम के ऊपर क्लिक करते हैं, लेट अस क्लिक ऑन टू अ लर्निंग आउटकम, यहाँ हमने क्लिक किया EVS 6.1 पे, और लर्निंग आउटकम क्या है, लेट मी रीड अलाउड द लर्निंग आउटकम। Identifies simple observable features of leaves, trunks and bark of plants, animals and birds in their immediate surroundings. तो ये learning outcome है, वो simple observable features recognize करता है पत्तों के, तनों के, और जो पेड़ की छाल होती हैं उनके, और अपने सराउंडिंग्स के बर्ड्स और एनिमल्स को भी रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या क्या रिसोर्स इस लर्निंग आउटकम के साथ लिंक्ड हैं। तो आप यहाँ देखें, तीन वर्कशीट हैं, दो असेसमेंट शीट हैं, एक बाइट साइज वीडियो है, दो इंफोग्राफिक्स हैं और दो गेमिफाइड कॉन्टेंट है एक लर्निंग आउटकम के साथ। ये सारे लर्निंग रिसोर्सेस लिंक्ड हैं। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, अब एक वर्कशीट पर क्लिक करें, देखें कि वर्कशीट क्या है या असेसमेंट शीट, एनीथिंग वी कैन शो।
क्योंकि ये असेसमेंट के लिए है, ये भी एक टाइप ऑफ रिसोर्स है, सो लेट अस वॉच दैट ऑल्सो। तो ये एक असेसमेंट शीट है जिसमें हमें थोड़ा, अगर हम इसको बड़ा करके दिखा दें, और यहां से हम शेयर भी कर सकते हैं ये। हाँ, लर्निंग आउटकम वही है, द लर्नर्स आइडेंटिफाई सिंपल ऑब्जर्वेबल फीचर्स, शेप, कलर, टेक्सचर, अरोमा ऑफ लीव्स, ट्रंक, बार्क ऑफ प्लांट्स, देन ही ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस एनिमल्स एंड बर्ड्स इन इमीडिएट सराउंडिंग्स। यहाँ हमें ड्रॉ करना है और लिखना है द टाइप ऑफ लीफ शेप शोन बिलो, कि ये कौन से पत्तियों का कौन सा प्रकार है। इसमें स्क्रॉल करें शेप के आधार पर, जो वीडियो है उसमें सारे तरह के शेप दिखाए गए हैं, तो शायद हमें वीडियो पहले देखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हम अडल्ट लर्नर्स हैं, हम अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, हम पहले ये देख लें कि क्या असेसमेंट एक्टिविटीज हैं, फिर हम वीडियो देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। विच लीफ कलर आर यू ऑब्जर्विंग इन द फॉलोइंग इमेजेस, पत्तों का क्या कलर है इन इमेजेस में, और क्या हम ये देख के, इन पत्तियों को देख के, यू हैव नोटिस द टेक्सचर ऑफ लीफ। अब इसके लिए बहुत ही ध्यान से हमें इमेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि टेक्सचर हमें दिखना चाहिए, नहीं तो टेक्सचर छू के पता चलता है जनरली, लेकिन यहाँ हम इन पत्तियों में देखें तो हमें दिख भी रहा है कि ये स्मूथ होगी, ये रोएदार पत्ती है, ये थोड़ी वेलवेटी लीव है, और ये प्लेन स्मूथ लीव है, तो ये टेक्सचर क्या है पत्ती का। तो इस तरह से ये वर्कशीट है, लेट अस नाउ वॉच द वीडियो बेस्ड ऑन द सेम लर्निंग आउटकम। और फिर हम एक गेमीफाइड कंटेंट देख लेंगे। टीना, आर यू कमिंग विद मी टू द पार्क? हुर्रे मॉम, आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स गो। मॉम, दीज ट्रीज आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यस डियर, सम ऑफ देम डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट सम हैव सिमिलर कैरेक्टर्स। लुक एट दीज प्लांट्स टीना, देयर लीव्स आर डिफरेंट इन कलर बट सिमिलर इन शेप। They are elongated. You can call them linear shaped. And this one, it is triangular. Do you remember this shape? Yes, Mom. I remember. I had studied this shape in my maths class. Oh, Mom, mint must be growing around. Its fragrance always attracts me. Then let's find out where they are growing. Ah, I found them. Hey, look here, Mom. This is so amazing. Oh, yes. I used to think that only flowers are colorful, but leaves of this plant are so beautiful. This purple color is so attractive and they are so soft to touch, just like our velvet blanket. Yes, Tina. See, there are other plants also with colorful leaves. They are amazing. Oh, the bark of this tree is so smooth, unlike other trees. It varies. Some trees have smooth bark, some have grooved or bumpy. Now, let's go back home. Mom, we'll visit the park tomorrow as well. Sure, dear. Oh, Mom, look at them. A cat is running after a rat and a dog is running after the cat. Good morning, Mom. Oh, wow. Which bird is this? This is woodpecker. Let's go to the balcony. You will observe a variety of birds chirping, interacting with each other, making this morning even more pleasant. Yes, I want to see more birds. तो ये आपने एक example देखा bite size video का, और आपने जो assessment sheet अगर देखी होगी तो असेसमेंट शीट भी बेस्ड थी जो हमने वीडियो में देखा। इसी तरीके से इंफोग्राफिक्स भी हैं, वर्कशीट्स भी हैं, और गेमीफाइड कंटेंट भी है। लेट अस नाउ वॉच गेमीफाइड कंटेंट एंड असेसमेंट।
अब यहां हमें करेक्ट बॉक्स में वर्ड को ड्रैग करना है. अ बर्ड विच स्विम्स, वो कौन सी बर्ड है जो तैरती है, तो डक करेक्ट आंसर है. अ बर्ड विच हैज ब्लैक फेदर, जिसके काले पंख होते हैं. अ लार्ज बर्ड विच हैज ब्यूटिफुल टेल फेदर, ये हमारा पीकॉक है. स्मॉल साइज्ड एनिमल विच हैज लॉन्ग ब्यूटिफुल टेल, ये हम रॉन्ग करके देखते हैं क्या होता है. इसके बाद हम देखते हैं एन एनिमल विच इज फाउंड इन आर इमीडिएट सराउंडिंग्स. अ प्लांट विच हैज स्ट्रॉन्ग लीफ एरोमा, whose fruit we consume. जो अमरूद है, अमरूद के पत्तों का एक बहुत अच्छा एरोमा होता है अगर हम पत्ते मैश करके उसको सूंघे, और ये एक फ्रूट भी है. इसके बाद हम देखते हैं अ प्लांट विच हैज स्ट्रॉन्ग लीफ अरोमा, हुज लीफ वी कंज्यूम, तो ये मिंट है. और अ ग्रे कलर्ड बर्ड विच हैज अ थिंग ऑफ ब्लू कलर ऑन इट्स नेक, तो पिजन ही बचा है. और ये हम देखेंगे कि हम यहाँ सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, राइट सॉल्यूशंस क्या है. तो यहाँ हमने स्क्विरल डालना था जो हमने गलत डाला, और रैट की जगह स्क्विरल, स्क्विरल की जगह रैट डाला है. और हम रीट्राई भी कर सकते हैं, रीट्राई पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से हम इस गेम को प्ले कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ कंटेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण भारत मिशन इज क्रिएटेड, क्यूरेटेड एंड शेयर्ड विद द ऑडियंस फॉर द फॉर यूज. और इसी तरह से आप एजुकेशन फॉर ऑल, वोकेशनल एजुकेशन, ये सारे वर्टिकल भी देख सकते हैं. लेकिन निपुण भारत मिशन, क्योंकि मिशन मोड में बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना था, तो इस पे अभी हमारा ज्यादा कंटेंट है. और वर्चुअल एप्स पर 200 से ज्यादा के करीब कंटेंट है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. इसमें हमने सीखा कि हम स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग कैसे करते हैं, और किस तरीके से हम कंटेंट को निर्माण करते हैं बाय राइटिंग प्रॉपर स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड, पुटिंग राइट कैमरा एंगल्स इन दी स्क्रिप्ट. सो दैट वाज ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग. अगर क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन पूछें, नहीं तो मैं देख रही हूँ रजिस्ट्रेशन में कई लोगों को दिक्कत आ रही है. आई विल हैंड ओवर टू माई टीम फॉर. यस प्लीज बोलिए. सुमन राजस्थान से. हाँ प्लीज बोलिए. मैम आई एम शीतल फ्रॉम हरियाणा. आई जस्ट वांट टू नो हाउ दिस गेमिफाइड कंटेंट इज प्रिपेयर्ड, H5 यूजिंग H5P. हाँ H5P, और H5P का आपको डेमो दिया जाएगा तो आप उससे सीख जाएंगे. और ये एक आसान सॉफ्टवेयर है, और आप लोग भी इसको अगर थोड़ा प्रैक्टिस से ये ऐसा कंटेंट बना सकते हैं. एनिमेटेड कंटेंट मंजीत सिंह जी पूछ रहे हैं हरियाणा से. एनिमेटेड कंटेंट बनाने के लिए भी एक कंप्लीट सेशन एनिमेशंस के ऊपर है, और एक आपको ऐप बेस्ड टूल भी हम डेमोंस्ट्रेट करेंगे जिससे आप छोटे छोटे एनिमेशंस बना सकते हैं. और ये जो गेमिफाइड वे में मैम क्वेश्चंस बनाए थे अभी अभी जो अक्सर हम पे नजर आते हैं, तो ये H5P के जरिए ही बनाए हुए हैं. हाँ H5P के जरिए ही बनाए हैं. मैम वीडियो का ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है आप किस लेवल के लिए वीडियो बना रहे हैं. अगर हम 12वीं क्लास के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो वो 15 मिनट 20 मिनट का भी वीडियो हो सकता है. यहाँ पे DSM के पार्टिसिपेंट्स भी हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप DSM से आए हैं. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स के भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज से उनकी वर्कशॉप चालू थी तो मैंने उनको यही इनवाइट कर लिया ताकि वो भी इस सेशन से लाभ उठा सकें और कल से अपना कार्य कर सकें. हाँ ये जो क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, इट डिपेंड्स. जब हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए कंटेंट बना रहे हैं तो मैंने बाइट साइज वीडियो की बात की. बाइट साइज वीडियो 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट तक का हो सकता है.
क्योंकि छोटे बच्चों की जो अटेंशन है उसको बहुत लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल है। अगर वो टीवी पे छोटा भीम देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं तो वो घंटों देख सकते हैं, लेकिन जब हम एजुकेशनल कंटेंट की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि हमारा भी एक अटेंशन स्पैन होता है, और मुझे पता नहीं कितने लोगों का अटेंशन स्पैन अब जवाब दे चुका होगा इस प्रोग्राम में भी। तो हम सोच सकते हैं कि बच्चों के अटेंशन स्पैन को ध्यान में रखते हुए, उनके एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए हमें ड्यूरेशन तय करना होता है। तो बाइट साइज वीडियो प्राइमरी लेवल तक के लर्नर्स के लिए, स्पेशली फाउंडेशनल लर्नर के लिए सूटेबल ड्यूरेशन है, और 15 से 20 मिनट के वीडियो अगर हम टीचर्स के लिए बना रहे हैं, अब 20 मिनट से ज्यादा अगर हो जाता है तो वो थोड़ा सा अगर बहुत इंगेजिंग इंटरेस्टिंग नहीं है तो उससे ज्यादा अटेंशन सस्टेन नहीं रह पाती है। जब भी हम कोई एजुकेशनल कॉन्टेंट देखते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और इंगेजिंग है, हमने बहुत क्रिएटिवली सोचा है, तो बात अलग है। अदरवाइज हमारा अटेंशन स्पैन के हिसाब से अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग ड्यूरेशन होना चाहिए। मैम क्या हम एक लेसन को 2-3 वीडियोस में डाल सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं? हाँ बिल्कुल बांट सकते हैं, वीडियो लेक्चर आप उसके लिए निर्माण कर सकते हैं या कोई भी और फॉर्मेट अगर सूटेबल है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं और साइंस का कॉन्टेंट बनाना चाह रहे हैं और उसमें एक्सपेरिमेंट है तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन होगा, तो एक्सपेरिमेंट सारे आप डेमोन्स्ट्रेशन में बनाएंगे, जो थ्योरेटिकल और एक्सप्लेनेटरी पार्ट है तो वो उसमें बनाएंगे। अगर उसके लिए कोई हमें प्रोसीजर्स या कुछ प्रोसेसेस दिखाने हैं, कुछ प्रक्रियाएं दिखानी हैं, तो उसके लिए हम कुछ और तरीके का कॉन्टेंट सोचेंगे। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम एक चैप्टर को किस आधार पर कितने भागों में बांटें, इट डिपेंड्स कि किस तरीके का कंटेंट उस चैप्टर में है और वो किस किस प्रकार के फॉर्मेट के लिए सूटेबल है। मैम भरतमणि बात कर रहा हूँ भीलवाड़ा राजस्थान से। एक क्वेरी ये थी मैम कि H5P जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल है या फिर ये कोई ऐप है? ये एक सॉफ्टवेयर है और इसके ऊपर मैं यहाँ आपको जवाब नहीं देना चाहूंगी पूरा कंप्लीट, बस ये कि एक सॉफ्टवेयर है और इसका पूरा डेमो के लिए आपका एक अलग फुल सेशन प्लान है। जी क्योंकि ये काफी इंटरेसटिंग लग रहा है, ये जो एचआईपी है ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ने पूरा सेशन हमने प्लान किया आपके लिए और वो सेशन से आप उसके और बारीकियां जो हैं वो समझ सकेंगे और कंटेंट बना भी पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। जी मैम फुल 1.5-2 घंटे का सेशन है एचआईपी में। इसमें आपको प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा और उसमें आपको ये मौका भी मिलेगा कि आप ये सॉफ्टवेयर को सीख पाए, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाएगा। गुड इवनिंग मैम, दिस इज जया फ्रॉम राजस्थान। जी जैसे अभी आपने बताया कि एक वीडियो का हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसकी एक चैप्टर को उसे 2-3 पार्ट में, तो मैम क्या इसकी भी कोई लिमिट है? जैसे अगर हम एक हिस्ट्री का चैप्टर लेते हैं उसमें काफी कुछ कंटेंट रहता है और उसके लिए जैसे अभी आपने बताया कि 20 मिनट का 11th-12th के लिए है या सीनियर क्लासेस के लिए, तो वो तो उसका काफी लेंथी हो जाता है। अगर एक चैप्टर को भी हम मुगल एम्पायर को ले लेते हैं तो उसको हम कितने, उसकी भी क्या लिमिट है कि हम इतने ही वीडियोस में हमको उसे बनाना है उस चैप्टर को? देखिए ये मैंने ऐसी कोई लिमिट सेट नहीं की है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आप टीचर हैं उस विषय की, तो आपको पता है कि ये चैप्टर के लिए हम मुझे कितने वीडियोस बनाने पड़ेंगे। अगर हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं तो वीडियो लेक्चर आप देखें कि कितने पार्ट में, 4 उस पे बनेंगे, 5 बनेंगे, और किस तरह से आप चंकिंग करेंगे कंटेंट की, वो आप बेस्ट जज हैं उसके लिए। और वीडियो लेक्चर अपने आप में एक एंड नहीं है कि वीडियो लेक्चर से बच्चा सीख जाएगा, उसके बाद और भी सपोर्टिव कंटेंट है जिनके माध्यम से हम और चीजें बच्चों को बता सकते हैं। मान लीजिए वीडियो लेक्चर तो 4 हो गए, लेकिन और सपोर्टिंग कंटेंट में कुछ एनिमेशन हमने बना लिए, वर्कशीट्स बना लिए, असेसमेंट शीट्स बना ली, क्वेश्चन बैंक बना लिया, तो एक वीडियो इन सबसे भी सपोर्टेड होता है। दूसरा पीएमई विद्या के तहत जो वीडियो लेक्चर्स टेलीकास्ट हो रहे हैं उसके लिए एक डाउट क्लियरेंस सेशन भी होता है कि आपने वीडियो देखे,
एक पर्टिकुलर चैप्टर पर, तो वीकली वन डाउट क्लियरेंस सेशन भी है जिसमें वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं बच्चों के, तो वो एक्सपर्ट से बात करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से केवल ये तय कर लेना कि हमें कितने में कंप्रेस करने हैं वीडियो में पूरा चैप्टर को, हमें पूरी कंप्लीट पिक्चर पता होनी चाहिए कि ये वीडियो किस कॉन्टेक्स्ट में लर्नर तक पहुंचेगा और क्या क्या सपोर्टिंग चीजें इसके साथ उपलब्ध होंगी। हेलो जी मैम। हाँ जी दिनेश जी, और एक मैडम भी आपसे पहले कुछ स्टोरी बोर्ड बोल रही थी, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जी जी मैम, के लिए एक अलग से सेशन रखा गया है, तो मैम आप क्या आपको लगता है कि सेशन में काफी एनिमेशन सीखना हम लोगों के लिए? एक बार आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप रिपीट कर दीजिए अपना क्वेश्चन। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि जो एनिमेशन हमने बनाया है उसके लिए एक आपने सेशन रखा है, हाँ जी, तो क्या आपको लगता है कि एक सेशन में हम सीख पाएंगे एनिमेशन हाउ टू प्रिपेयर? मुझे तो लगता है कि पिछले जो तीन फेज के प्रोग्राम रहे हैं और इससे पहले भी हम जो एसआरजी करते रहे हैं, मेरा अनुभव तो ये रहा है, जो प्रत्यक्ष अनुभव रहा है, कि बनाने लग जाते हैं टीचर्स एनिमेशन और बना बना के जो ग्रुप्स आपके बनाए गए हैं उसमें शेयर भी करने लगते हैं। ये नहीं कि बहुत फैंसी बना पाते हैं, बस वो एक प्रैक्टिस से और हम परफेक्ट टाइप के क्वालिटी वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन सीख जाते हैं। ये एक ऐप बेस्ड टूल है जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, जिसका नाम है स्टॉप मोशन स्टूडियो, और उससे आपको एनिमेशन बनाना सिखाएंगे। बट ये आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी क्वालिटी वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन टूल आप सीख जाते हैं एक सत्र में। ठीक है मैम, ओके। इंदु मैम बताइए। हाँ जी रूही, जम्मू एंड कश्मीर जी रूही। जब हम कोई वीडियो बनाएंगे उसके लिए पहले हमने स्क्रिप्ट लिखना है, जैसे स्टोरी बोर्ड है, क्या हम उसमें लिख सकते हैं जैसे इंट्रोडक्शन देना है 2-3 सेकंड्स का इंट्रोडक्शन या 5 सेकंड्स का इंट्रोडक्शन, तो उसमें हमें टाइम भी पूरी तरह से मतलब ऐड हो जाएगा कि कितने मिनट्स या कितने सेकंड्स में हमारा ये पूरा स्टोरी बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, और उतने में ही हमने अपना वॉइस भी रिकॉर्ड करना है और उनको ये भी देना है जैसे इमेज दे रहे हैं हम जी बिल्कुल। अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप टाइम भी दे सके, ताकि उसी हिसाब से फिर आप कंटेंट लिखें। आप ये अगर मान के चल रहे हैं आपको 20 मिनट का एक वीडियो बनाना है, तो अगर आप टाइम टू टाइम स्प्लिट भी उसको कर देते, थोड़ा 19-20 उसमें होगा लेकिन टाइम भी उसमें स्प्लिट कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है कि कितने कॉन्टेंट को हमें कितना वेटेज देना है वाइल डेवलपिंग दी वीडियो, वो भी पता चल जाएगा। वैसे तो जब टेक्स्ट स्क्रिप्ट का बनेगा उससे पता चल ही जाएगा कि अगर एक पैराग्राफ है तो ये 30 सेकंड में पढ़ा जाएगा, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट अगर आप उसमें टाइम ड्यूरेशन दे देंगे सो दैट इज आल्सो दैट आल्सो कैन बी डन, हम कर सकते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। हां जी मैम, आई हैव जस्ट वन क्वेरी रिगार्डिंग स्टोरी बोर्ड। हाँ शीतल बताइए। ये उसी के लिए है ना कि अगर हमें अपना कंटेंट और से बनाना है, लाइक आई एम कंटेंट क्रिएटर माइसेल्फ, तो मुझे तो जैसे ड्राफ्टिंग के फॉर्म में है ना ये, तो कि स्टोरी बोर्ड इज लाइक ड्राफ्टिंग कि मुझे पहले अगर आप पूरा कंटेंट खुद ही बना रहे हैं, मतलब कंप्लीट आप खुद बना रहे हैं, कंप्लीट कंटेंट आप खुद बना रहे हैं, तो लेकिन फिर भी अगर आप स्टोरी बोर्ड एक आपके सामने रहेगा तो आपके आपको पता होगा कि आपको भी उसमें कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपने लिखा है कि यहाँ मुझे क्लोजअप चाहिए और आप कोई ओपन सोर्स से कोई इमेज क्लोजअप की किसी विशेष चीज की लेना चाहते हैं, तो आप क्लोजअप्स में वो शेयर करेंगे, मिड क्लोजअप चाहिए तो मिड में शेयर करेंगे,
और अगर हमें आउटसोर्स, हमारा तो इन हाउस कंटेंट बनता है ऑडियो वीडियो, लेकिन स्टोरी बोर्ड से मदद हो जाती है प्रोड्यूसर को, मेरे पास और 50 काम है, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, तो बार बार मैं प्रोड्यूसर की हैंड होल्डिंग या एडिटर की हैंड होल्डिंग करने के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकती हूँ, तो इन हाउस भी मैं बना रही हूँ और एक प्रोडक्शन टीम हमारे यहाँ है और उनसे मैंने एक स्टोरी बोर्ड शेयर कर लिया है, तो इसमें मेरा और उनका दोनों का समय बचेगा, बिकॉज देन द प्रोड्यूसर विल कंसल्ट द स्टोरी बोर्ड एंड देन अकॉर्डिंगली सिलेक्ट द शॉट्स. सो बेसिकली दिस इज फॉर टीम. जी हाँ, कई चीजें हम टीम में बनाते हैं, लेकिन आपको ओपन शॉट वीडियो एडिटर का डेमो दिया जाएगा और आप ट्राई करते हैं कि मैं खुद ही बनाऊं, तो फिर आप ये आपके अपने ऊपर है, अगर आपके दिमाग में वो स्टोरी बोर्ड है तो जरूरी नहीं है आप उसको कागज पे उतारें, क्योंकि आप ही कंटेंट बना रहे हैं. थैंक यू. नमस्कार मैडम, मैं हरियाणा से मंजीत सिंह बात कर रहा हूँ. जी मंजीत मैडम, मैं खुद भी वीडियो एडिट करता हूँ इसे या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू, और यूट्यूब वगैरह पे भी इस्तेमाल करता हूँ बच्चों के लिए. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो दीक्षा का कंटेंट है उसे हम अपने रीजनल लैंग्वेज में या सराउंडिंग के लिए ऐसा को अगर मैं उसे चेंज करना चाहूँ तो वो कंटेंट मैं कहाँ से ले सकता हूँ मैडम? अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया भी था कि दीक्षा का कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी आपको बताया भी था कि कैसे डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड करके लेके कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि दीक्षा का जो भी कॉन्टेंट है वो फ्री एंड ओपन सोर्स है. इससे पहले वाले सेशन में आपको क्रिएटिव कॉमन्स की लाइसेंसिंग बताई गई थी, तो हमारे जो भी कंटेंट है वो क्रिएटिव कॉमन्स की सीसी बाय एनसीएसए जो लाइसेंसिंग है उसके तहत रिलीज किए गए, बस आप उसका कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं. आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रीमिक्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये एनसीईआरटी का कंटेंट है और आपको उसका कॉमर्शियल यूज नहीं करना होगा, ये केवल शर्तें हैं. तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, जो मैंने आपको ऑलरेडी डेमो दिया था दीक्षा से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरा आपका सवाल है, दूसरा जो किताबें हैं हमारी जो डिजिटल बुक्स हैं, डिजिटल बुक्स जो हैं वो हम उसके लिए जो लाइसेंसिंग है वो सीसी बाय एनसीएनडी है, उसको हम रीप्रिंट नहीं कर सकते हैं, उसको डिजिटल फॉर्मेट में ही रखना है, उसको हम सेल नहीं कर सकते हैं, प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो नॉन डेरिवेटिव है, सीसी बाय एनसीएनडी, नॉन कॉमर्शियल नॉन डेरिवेटिव, ना तो हम उसका कॉमर्शियल यूज करेंगे और ना ही हम उसकी प्रतियां बना के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इस लाइसेंसिंग से हमारी किताबें हैं दीक्षा पर. आई थिंक मेरा जवाब स्पष्ट होगा, आप समझ गए होंगे, और अगर आपको एक बार और डेमो चाहिए तो हम दिखा देते हैं. डॉक्टर प्राची एक बार दीक्षा पे शेयर कर दीजिए, एक बार आपको फिर बता देते हैं डाउनलोड कंटेंट कैसे करना है. मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि हम उसे कैसे यूज करें, किस फॉर्मेट में है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनसे फैमिलियर हूं मैडम, फॉर्मेट से और कन्वर्जन या एडिटिंग से. तो आपका सवाल क्या है मैडम? मैं जानना चाहता था कि हम उसे यूज कर सकते हैं या नहीं. हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो मैंने जवाब आपको बताया कि मैडम फॉर्मेट, मैडम फॉर्मेट क्या होगा, वो वीडियो के फॉर्मेट में है या सब तरह का है, वीडियो भी है, पीडीएफ्स भी है, बाइट साइज वीडियोस भी है, उसपे गेमिफाइड कंटेंट भी है, तो सभी तरह के फॉर्मेट के कंटेंट है उसपे, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट है, कोई एक फॉर्मेट में नहीं है. ठीक है, जो हमारी वर्कशीट्स मैंने दिखाई थी जो आपको FLN पे, वो पीडीएफ में है, जो वीडियोस हैं वो MP4 है, ऑडियो भी MP4 है, ऑडियो को हम MP3 से MP4 कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ दीक्षा MP4 सपोर्ट करता है. ओके मैडम. मैम रियाज बोल रहा हूँ SCRT जैन के से. जी रियाज बताइए. एक्चुअली आई वुड लाइक टू ऐड अपॉन इट, देयर वाज अ प्रोग्राम कंडक्टेड लास्ट ईयर दैट वाज रिगार्डिंग translate.diksha.gov.in. हाँ, उसमें जब हम लॉग इन करते हैं तो उस पे वो काम नहीं हो पा रहा है जो हमने ज्यूरिंग द वर्कशॉप किया था, उसमें थोड़ा क्लियरिफिकेशन चाहिए थी कि क्या काम नहीं हो पा रहा, मतलब जो ट्रांसलेशन जो ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है ऑन दीक्षा उसकी ट्रांसलेशन हम कर रहे थे उस प्रोग्राम में, दैट वाज कंडक्टेड बाय सीआईटी इटसेल्फ. किसने की थी?
याद नहीं है कौन थे कोऑर्डिनेटर कौन थे, क्योंकि मुझे नहीं कॉन्टेक्स्ट पता, सीआईटी में अलग अलग लोग अलग अलग कार्य देख रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है हम अलग से आपसे इस बारे में बात करेंगे। ट्रांसलेशन टूल कोई डेमोन्स्ट्रेट किया गया आपको? जी जी, एक्चुअली वेब पोर्टल पे ही दिखाया गया था, translate.diksha पे। अच्छा हाँ, ये एक ट्रांसलेशन टूल है, अभी इसको आप यूज मत करिए, इसकी ऑलरेडी हमारी टीम टेस्टिंग कर रही है कि इसका कैसे प्रयोग करना है। ये ऑलरेडी इनेबल्ड तो है, बट अंटिल एंड अनलेस वी डू टेस्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसलेशन टूल और इसको हम एक एस्टैब्लिश कर लें कि कैसे करना है, तो फिर आपको दोबारा डेमो देने की जरूरत है, तो वी विल हैव नेक्स्ट राउंड ऑफ डेमो विद यू। ओके मैम, बट लेट अस फर्स्ट टेस्ट इट, तो टेस्टिंग अभी इसकी जारी है। Thank you. The second query is that at SCRT we are supposed to develop training modules. So copywriters में हमें अक्सर बताया जाता है that we can use only 10% or 20% of the content that is being actually published already. Rest we have to develop of its own. हमारी तरफ से होना चाहिए। उसमें थोड़ी clarification अगर आप करती हो कितना हम use कर सकते हैं from CIET और NCERT के modules से? तो ये आपको पिछले सेशन में पूछना चाहिए था, हालांकि सवाल आई ट्राइड मैम, आई ट्राइड बट अनफॉर्चुनेटली तो सेशन ऑफ हो गया उस टाइम, तो फिर ब्रेक हो गई थी कि हाँ, इसमें एनसीईआरटी का कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे अपनी लोकल भाषा में, तो एनसीईआरटी और जो एससीईआरटीज हैं डाइट्स हैं वो अलग नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं और से कॉन्टेंट ले रहे हैं तो वो कंटेंट आपको 20-25% करना है, लेकिन जो भी एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स को भी आप करेंगे तो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन तो आप अपनी स्टेट स्पेसिफिक नीड्स के बारे में करेंगे ही उसमें, तो उस तरह से कर सकते हैं, और वो कंटेंट तो आप एज इट इज ले सकते हैं जो मॉड्यूल्स हैं निष्ठा के, अगर आपका सवाल उस बारे में है तो। बिल्कुल मैं वही था। हाँ, और उनको ट्रांसलेट करेंगे आप उर्दू में ट्रांसलेट करके आप यूज करेंगे, तो वो एज इट इज होना चाहिए, और जहां जहां कॉन्टेक्चुअलाइजेशन भी हर जगह नहीं चाहिए हमें, जैसे अगर हमें कहीं कुछ एग्जाम्पल देने हैं तो हम जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम्पल देंगे, तो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन उस तरह से करें, बट जो कोर उसका स्पिरिट होगा, कोर स्पिरिट वही होगा जो एनसीईआरटी ने उसमें इन्वेस्ट किया है। थैंक यू सो मच इंदु मैम। एक मिनट, मुझे अपना ऑडियो ऑफ कर। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु मैम आपका इतना डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन के लिए, और क्वेरीज भी बहुत आई और सारी क्वेरीज को मैम ने आंसर किया है, तो सबकी तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस सेशन में हमने सीखा कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है और स्टोरी बोर्डिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं स्टोरी बोर्ड को, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज कर सकते हैं इंटरैक्टिव कंटेंट अगर हमें क्रिएट करना है, तो बहुत बहुत ही इंटरेस्ट सेशन था ये। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। सो एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बार बार जो ये क्वेरी आ रही थी अटेंडेंस की और रजिस्ट्रेशन की, मॉर्निंग में कोई अटेंडेंस फॉर्म का लिंक शेयर नहीं किया था, मॉर्निंग में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर किया था, आपकी रिक्वेस्ट पे हमने एक बार फिर शेयर कर दिया है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वही अटेंडेंस होगा, और इवनिंग